बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जो ठेले लगे होते हैं और वहाँ पे जो तवा पुलाव मिलता है, आहा हा क्या स्वाद होता है उसका। तो चलिए चलते इस ठेले पे और सीखते हैं डिटेल में रेसिपी इन भैया से। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो राइस है वो बॉईल कैसे होता है। तो इन्हीं भैया से हम सीखेंगे कि बड़े पैमाने पे ये राइस बॉईल कैसे करते हैं। तो इस राइस से आप सिर्फ तवा पुलाव नहीं बना सकते, तो इस राइस से आप बिरयानी, फ्राइड राइस, चाइनीज़ के बहुत सारे आइटम और पुलाव बना पाएंगे। तो आप रेडी है ना सीखने के लिए कि ये खिला खिला लंबा ग्रेन वाला राइस कैसे बनता है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक किलो राइस के हिसाब से सारे मेजरमेंट्स दिखाए जाएंगे, वो भी परफेक्टली। तो एक किलो राइस के लिए 3 लीटर पानी लेना है, यानी कि जितना राइस है उसका 3 गुना यहाँ पर पानी लेना है। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द राइस। तो राइस कौन सा ले, वैसे तो आप कई तरह के लॉन्ग ग्रेन राइस ले सकते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने स्पेशली बासमती का राजभोग राइस लिया है। आप कोई सा भी लंबा राइस ले सकते हैं, क्योंकि लंबे राइस में जो है स्टार्च कंटेंट बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से ये कम चिपचिपा और बहुत खिला खिला बनता है, एकदम सफ़ेद मोगरे की तरह। तो आप देख सकते हैं। और तीसरा मेन स्टेप है इसका सोकिंग टाइम। तो हर एक चावल का अलग अलग सोकिंग टाइम रहता है, तो इस राइस का सोकिंग टाइम है आधा घंटा। तो आधा घंटा इसे सोक करने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इस पतीले को हम चढ़ेंगे गैस पर और इसे बिल्कुल आधे घंटे तक बॉईल करना है, जब तक कि राइस है वो 80% ना कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस जो है वो 80% कुक हो चुका है। इसे ठंडा करने रख देंगे। ठंडा होने के बाद में हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, यानी कि जो नीचे स्टार्च का पानी है उसे पूरा अलग कर देना है। अब इसे एक अच्छी सी चौड़ी जगह पर फैला लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। साथ में फ़ैन भी लगा देंगे ताकि टोटली इसका मॉइस्चर जो है निकल जाएगा और एकदम खिला खिला बनेगा। अब ये तो हो गया राइस, अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। तो चलिए मसाला देखते हैं। तो सबसे पहले एक शिमला मिर्च बारीक चॉप करके ली है, साथ में एक प्याज लिया है, उसे भी एकदम बारीक फाइन चॉप करके लिया है। इन्होंने डाल दिया ये प्याज। अब इसमें वापस से थोड़ा सा बटर मिलाया है, अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी सी भाजी, ये साइड में जो पाव भाजी चिपकी हुई थी बस रही है और कुछ नहीं डाला। साथ में डालेंगे एक टमाटो कटा हुआ, देख सकते हैं आप। अब इसमें डाले हैं बॉइल्ड मटर, इन्होंने पहले से ही बॉइल्ड मटर करके रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी, जिसे हल्दी डालकर ब्लांच किया हुआ है, एकदम 80% ही कुक किया है। इसे चॉप करना है अच्छी तरीके से और इसे भी मिलाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल रहे हैं भैया। अब यहाँ पर डाला है इन्होंने नमक और डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आप देख सकते हैं। और साथ ही में डाला है ये गरम मसाला, पाव भाजी का मसाला है ये, आप देख सकते हैं। तो लाल मिर्च, पाव भाजी का मसाला। अब यहाँ पर डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट, एकदम पतला बना के लेना है, आप देख सकते हैं। इसे भी इसमें एक चम्मच इन्होंने डाला है। अगर आप जैन बनाना चाहते हैं इसे स्किप कर दीजिए। अच्छी तरीके से जो है मसाले है इसे मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी, देखिए पानी डालने के बाद में इसे 5 मिनट तक पकाना है इन सारी सब्जियों को इस पानी में। तो देखिए अच्छी तरीके से सब्जियां पक चुकी है। वापस से इन्होंने बटर डाला है, बहुत ज़रा बटर डलता है तभी स्वाद आता है। तो आप डालिए बटर, बटर में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चाहिए। देखिए अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब जो है इन्होंने, हमने जो राइस बना के लिया था वो डालना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बता दूँ, बहुत सारे चावल बनते हैं तो यहाँ पर एक फूड कलर डाला जाता है, येलोइश फूड कलर। तो आप उसी समय डाल सकते हैं फूड कलर। और वापस से इसमें डाला गया है नमक और साथ में थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऊपर से। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आगे बहुत सारी रेसिपी है। ऊपर से इन्होंने डाला है बहुत सारा धनिया, देखिए आ गया ना आपके मुँह में पानी। मेरे तो कितना आ रहा होगा आप सोचिए बनाते वक्त, वीडियो शूट करते वक्त। तो देखिए अच्छी तरीके से हमारा पुलाव बन चुका है। बिल्कुल 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, घर पे ज़रूर बनाइए। बस तो ये राइस बन चुका है, इसे गर्मा गर्म परोसिए और साथ में रायते के साथ इसे खाइए, उसी के साथ इसका मज़ा जो है दुगना हो जाता है। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।